मऊ जिला बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं की जंग का गवाह बन रहा है। पूरा मामला पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता आरके प्रसाद पर घोटालों का आरोप लगाने को लेकर शुरू हुआ। इसी अधिकारी को कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने ईमानदारी का प्रमाण पत्र जारी कर शासन को अवगत कराया था, लेकिन बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने इस अधिकारी के निलंबन की मांग की थी, जिसे शासन ने मानते हुए आरके प्रसाद को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार का यहाँ नंगा नाच हो रहा था पीडब्ल्यूडी में। भ्रष्टाचार शासन को इन्होंने चाहे गड्ढा मुक्त चाहे जो भी हर फर्जी सूचनाएं दी, गुमराह शासन को भी गुमराह किया और सारे पैसे लूटा इन्होंने। तो हमारा तो काम है, जब सांसद हूँ यहाँ का, तो हर गतिविधियों से शासन को अवगत कराना ही था। लिखे तो मैं कराते रहे, संजोग से शासन ने संज्ञान में लिया या सस्पेंड हुए हैं, और इनके ऊपर जो गलती किए हैं सारी कार्रवाइयाँ होंगी होंगी। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता आरके प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने एक ठेकेदार की मौत के बाद उसके खाते से 28 लाख रुपए निकाल लिए। अब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान पर उठने लगे हैं कि कैसे मंत्री जी ने एक भ्रष्टाचारी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस कार्रवाई से बीजेपी के दो नेताओं के बीच गृह युद्ध शुरू हो सकता है। नागेंद्र कुमार, मऊ, जनमन टीवी।